यार ये तो देखो है यार, मैं एक इस बात को लेकर स्टूडेंट के दर्द को हमेशा समझता हूँ कि यार हमने यार कब फॉर्म भरा होता है, कब पेपर होता है, कब रिजल्ट आता है, तीन तीन चार चार साल के प्रोसेस बना दिए हैं इन लोगों ने। ऐसा प्रोसेस बना दिया है कि भाई साहब एक भर्ती को पूरी तरह से होने में 3 से 4 साल लग रहे हैं। जैसे एक बार बंदे ने ग्रेजुएशन कर ली तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो इसकी यहीं पे हो जाती है। ऐसे नहीं करना चाहिए यार गवर्नमेंट को कुछ। भाई साहब हम भी अपने परिवार के प्रति जवाबदेह हैं। भाई साहब एक बच्चा निकलता है घर से तैयारी करने के लिए, घर वालों को लगता है कि बच्चा भाई साहब ऑफिसर बन जाएगा। उनके लिए ऑफिसर मतलब आईएएस वाईएएस नहीं है, उनके लिए ऑफिसर बस इतना ही है, बाबू बन जाए हमारा लड़का, भाई साहब स्टेशन मास्टर बन जाए, है ना, भाई साहब एसएससी में कहीं सिलेक्शन ले ले, रेलवे में कहीं ले ले, है ना, जीडी में कहीं ले ले, फौजी बन जाए, कुछ भी, वही उनके लिए बाबू है भाई, ठीक है। क्योंकि यार उनको चाहिए फिक्स इनकम का कोई सोर्स, घर के हालात ऐसे रहे होते हैं कि फिक्स इनकम का एक भी जरिया बन जाए तो पूरी जनरेशन सुधर जाए। और भाई साहब की गवर्नमेंट इस चीज को ऐसे समझ रही, ऐसे कह रही है कि तुम अपना स्टार्टअप शुरू कर लो। भैया स्टार्टअप में 100 स्टार्टअप में से 90 स्टार्टअप तो शुरू के 6 महीनों में बंद हो जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऊपर से आपकी पॉलिसियां ऐसी, पता नहीं क्या सोचना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम उस सक्षम तो हों कि वहां तक हम पहुंचे।